मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016-17 का जो ऑनलाइन प्रश्न पत्र हुए थे आपके, उनमें संख्यात्मक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी जिसको आप मैथ कहते हैं, तो उसमें आए हुए क्वेश्चन जो हैं उनका कलेक्शन करके मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक सीरीज हमने कंप्लीट करा दी है, वो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। 80 क्वेश्चन 4 से 5 वीडियो में दिए हुए हैं। ये दूसरी श्रृंखला चल रही है एवरेज चैप्टर की, यानी चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जितने आए हुए हैं, और ये 3 से 4 वीडियो में आ जा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन, सेकंड वीडियो में 8 क्वेश्चन, और ये तीसरे पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये प्रीवियस पेपर में आए हुए सवालों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको इनकी प्रकृति पता चलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितना आ रहा है। तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और इससे आपको आगे आने वाले एग्जामों में काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है, इससे पहले 18 हो चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 ईयर थी यानी 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। इसका मतलब क्या है? अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी नंबर ऑफ पर्सन 6 की जगह अब 8 हो गए हैं। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी एज इट इज़ बनी रही, जो पहले 45 साल थी आज भी 45 साल है। अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या है, यानी अरुण की पत्नी की वर्तमान आयु क्या है, और ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज, 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 लोग थे, तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 वर्ष पहले औसत आयु 45 वर्ष थी, 45 वर्ष थी। तो अगर आज इन लोगों की देखा जाए, 6 लोगों की, तो 10 साल बीत गए हैं तो औसत आयु तो 55 वर्ष हो जाएगी ना, 55 वर्ष आज की डेट में किसकी, इन लोगों की, 6 लोगों की, है ना, सबकी नहीं। तो 55 गुणे कितना हो गया, 6, यानी 330 वर्ष के आज की डेट में ये 6 लोग हैं। 6 लोगों की आयु जो है 330 वर्ष है। लिख देता हूँ, वर्तमान में 6 लोगों की आयु, 6 लोगों की आयु कितनी हो गई, 330 वर्ष, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि 10-10 साल सभी बढ़ेंगे तो 45-10-55 एवरेज हो गया, और 55 गुणे 6 करेंगे तो 330 साल के वो 6 लोग हो गए। अच्छा, इसी दरमियान अरुण की शादी हुई थी और एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो अभी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन 8 हो गए हैं, 6 और 2 8 हो गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एवरेज एज हमारी वही बनी रही, आज जब 2 लोग और बढ़ गए तो एवरेज एज हमारी वही बनी रही, अर्थात औसत उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 45 ही रही। तो 45 गुणे अगर आप 8 करेंगे तो 360 वर्ष आ जाएगा, जिसमें 2 लोग शामिल हैं। तो ये 8 लोगों की आज की उम्र है और ये 6 लोगों की आज की उम्र है, तो दोनों का अंतर जब लेंगे तो 30 वर्ष आ जाएगा, और ये 30 वर्ष जो उम्र है वो माँ प्लस बच्चा है, है ना, माँ प्लस बच्चा 30 साल के हैं। और फिर कहा जा रहा है माँ माइनस बच्चा, है ना, अंतर का मतलब कि माँ और बच्चे की आयु का अंतर 22 वर्ष है, तो माँ माइनस बच्चा ये आपका 22 वर्ष है। अगर आपको माँ की उम्र चाहिए तो आप इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो ये 52 हो गया, 52 का आधा 26 वर्ष हो गया, तो आपकी माँ जो है ये 26 वर्ष की हो गई। और अगर बच्चे का उम्र चाहिए तो घटा करके आधा कर दीजिए, तो 8/2 4 वर्ष का बच्चा है। ये मैं जोड़ कर आधा और घटा कर आधा अपने स्टाइल में बोल रहा हूँ। आप समीकरण भी बना सकते हैं कि 2 माँ = 52 हो गया, तो माँ बराबर 26 हो जाएगा, बच्चा बच्चा कट जाएगा, और इधर 26 रख देंगे तो वो 4 आ जाएगा। कभी भी a प्लस
बी और ए माइनस बी दिया हो तो ए चाहिए तो जोड़ के आधा कर दिया करो और बी चाहिए तो घटा के आधा कर दिया करो, हो गया आपका सोल्यूशन। तो इस तरह से माँ की उम्र पूछी गई थी, सही आंसर होगा 26 वर्ष, यानी उसकी पत्नी की उम्र कितनी है 26 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और इस वीडियो का दूसरा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कक्षा ए और बी के गणित में औसत अंक क्रमशः 80 एवं 99 हैं, फुल स्टॉप। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 है और कक्षा बी में कुल छात्रों की संख्या 50 है, फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं तब दोनों कक्षा ए और बी की कुल मिलाकर औसत 3 बढ़ जाता है, हटाए गए अंकों का औसत ज्ञात करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, हमें दोनों कक्षाओं का जब सामूहिक औसत मालूम होगा तब तो उसे 3 बढ़ाएंगे, हमें दोनों कक्षाओं का सामूहिक औसत नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे? दोनों कक्षाओं के कुल अंक को दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों से डिवाइड करके दोनों कक्षाओं का औसत निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये कक्षा ए है आपकी और इसमें बताया जा रहा है कि औसत अंक 80 हैं और विद्यार्थी कक्षा ए में कितने हैं, 45 हैं। तो 45 विद्यार्थी हैं और टोटल आपके जो औसत अंक हैं वो 80 हैं, तो 80 गुणे 45 जब आप करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा, है ना, 3600 अंक हो जाएगा, ये 90 और 40। हाँ, बी में देखेंगे तो बी में आपके 99 मार्क्स हैं और बच्चे 50 हैं यहाँ पे, तो ये आपके औसत अंक कितने हो जाएंगे, 4950 हो जाएगा। 4950 और 3600 अगर इसे हम जोड़ लेंगे तो ये 8550 हो जाएगा। 8550 ए और बी के टोटल अंक हैं और अगर बच्चे देखा जाए तो 45 और 50 95 बच्चे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 9981 810 हो गया, 5 9 45, 90 बार कट जाएगा, यानी औसत आ गया 90। तो ये 90 औसत आ गया। ए और बी के अलग अलग अंक एवरेज दिखाए गए थे, बच्चे दिखाए गए थे और ए बी का कुल औसत हमने पता कर लिया। अब क्या होगा कि ए और बी का जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है, तो 90 और प्लस 3 करेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 93 कब होता है, जब आप प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक हटा देते हो। तो प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक हटाओगे, यानी 5 ए से हटाओगे, 5 बी से हटाओगे, टोटल 10 विद्यार्थी हट जाएंगे, तो आपके जो विद्यार्थी बचेंगे वो 85 बच जाएंगे। अब 85 जो विद्यार्थी बचेंगे, जो इनके अंक हो जाएंगे, वो 7905 इतना हो जाएगा, 7905 अंक हो जाएंगे, इसको गुणा करके देख लेना। अच्छा, अब पहले आपके जो अंक थे जब पूरे 95 विद्यार्थी थे तो 8550 थे और अभी कितना है, 7905 है, अगर इससे घटाएंगे तो 645 अंक निकल गए हैं और विद्यार्थी कितने निकले हैं, 5-5 दोनों से, यानी 10 विद्यार्थी निकले, तो जाने वाले जो औसत अंक हैं वो 64.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर दे सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो ये चीज़ थी कि ए और बी की कुल मिलाकर औसत 3 बढ़ जाता है। अरे भाई, जब ए और बी का कुल औसत ही नहीं मालूम है तो बढ़ाएंगे किस चीज़ को? तो सबसे पहले हमने टोटल ए निकाला अंक, टोटल बी निकाला, जोड़ करके 95 से ये डिवाइड कर दिया तो ए और बी का कुल औसत पता चल गया 90, इसी को 3 बढ़ा दिया 93 और 10 बच्चे निकल गए हैं। तो अब अंक ये हैं, पहले अंक ये थे, दोनों का अंतर 645 निकला है, 10 लोग गए हुए हैं, यानी 64.5 आपका आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा, 64.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 kg है, 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम हो तथा अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम हो तो अंतिम छात्र का वजन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, इसका जवाब इस तरह से देंगे, टोटल 50 बच्चे हैं विद्यालय में, कक्षा में, और इनका
औसत वजन 52 kg है। तो जब 50 को 52 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5×5=2600 kg, है ना। तो टोटल बच्चों का वजन हो गया 50 बच्चों का 2600 kg। अब यहाँ पे आप कह रहे हो 25 का वजन 50 है, तो 25 का वजन 50 है तो ये आपका 1250 kg हो गया, और अगले 24 का जो वजन है वो 54 kg है। तो जब इससे गुणा आप करोगे तो 24 × 96 का 6 हो गया, 24×5=120, और ये आपका हो जाएगा 1296, है ना, 1296। तो 1296 kg हो गया 24 बच्चों का, और 25 बच्चों का 1250 हो गया। तो टोटल आपके 49 जो बच्चे हुए इनका जो वेट हो गया वो हो गया आपका, जोड़ लेता हूँ, 6 × 9 = 5, 14 × 4, ये 5 और ये 2, 49 बच्चों का जो वजन हो गया वो 2546 kg हो गया, जबकि 50 बच्चों का वजन क्या था, 2600 kg था। तो एक जो आपका अंतिम बच्चा है ना, लास्ट वाला, उसका वजन जो होगा वो 2600 से 2500 आप 46 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 54 kg। आपका जो अंतिम बच्चा होगा उसका वजन 54 kg होगा। बहुत ही इजी वे में आंसर दे सकते हैं, पहले सभी छात्रों का निकाल लो, फिर 25 का निकाल लो, और फिर 24 का निकाल लो, 25-24 को जोड़ करके टोटल से घटा दीजिए। यहाँ पे जो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है कि प्रेक्षणों का योग बराबर औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे बच्चों का कुल वजन बराबर बच्चों की संख्या को औसत वजन से गुणा करके निकाला गया है। आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 54 kg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने ये 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ध्यान से इसको पढ़िएगा एक बार। अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसकी औसत गति क्या होगी। ऑप्शन दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप इसको ध्यान से देखिए आंसर कैसे देंगे। सबसे पहली चीज़ पूछा गया है औसत गति क्या होगी, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये मैंने कई बार बताया है कि जो औसत चाल होती है ये बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, राइट। टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे आपको टाइम तो टोटल मालूम है लेकिन टोटल दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अच्छा, अब आपका टाइम यहाँ पे 40 मिनट दिया हुआ है, इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो 40/60 जब आप करोगे तो ये 2/3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, 2/3 घंटे हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 4 की जब स्पीड से चल रहे हैं और 2/3 घंटे तक चलेंगे यानी स्पीड इनटू टाइम, तो 8/3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और फिर उसके बाद 6 की स्पीड से चलेंगे 2/3 घंटे तक, तो कितनी दूरी तय कर लेंगे, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो एक सफ़र आपका ये हो गया, एक सफ़र ये हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए, 8/3 और प्लस 4, 3×4=12 और ये 8, 20/3 किलोमीटर उसने टोटल यात्रा जो की वो 20/3 किलोमीटर की, और टोटल समय जो उसे लगा 2/3 घंटे और प्लस 2/3 घंटे, यानी 4/3 घंटे उसे टोटल टाइम लगा। तो आपने देखा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो आपका ये कुल दूरी हो गई 20/3 और जो कुल समय आपका हो गया वो 4/3 हो गया। तो इसको कैसे हल करेंगे, 20/3 और इसको पलट देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4×5=20, आपका आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये एवरेज स्पीड होगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे आप नहीं भटकेंगे, कोई ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। इंपॉर्टेंट ये था कि ये मिनट में समय दिया हुआ है, अब मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करना है घंटे में तो 60 करेंगे, 2/3 घंटे
घंटे हो गया। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि चालें हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2/3 घंटे तक चलेगा तो 8/3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसी तरह से 6 की चाल से जब 2/3 घंटे चलेगा तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोनों दूरियां मिलाकर 20/3 हो जाती है और समय 4/3, तो दूरी को समय से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 पे। और आज की वीडियो का यानी भाग 3 का ये 5वां सवाल है। एवरेज चल रहा है और आए हुए पेपरों के सवाल आपके सामने हैं। इसमें से 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपये है, जबकि इनमें से यानी 20 से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपये है। बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक का पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है तो इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने का आपका एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर उचित तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हूबहू और एग्जैक्टली हल करना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अनावश्यक टाइम किल करना। अगर हम आंसर सही समझ लेते हैं कि ये आंसर सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसे हद तक निकालना, फाइनली निकालना, ये आप समझिए बेखूफी ही कहलाएगा। और आप यहाँ पे मान के चलिए कि आंसर इजी वे में कैसे दिया जा सकता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपये है, यानी उनका जो कुल मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 14 × 28 यानी 280 रुपये हो जाएगा। अब इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य जो है वो 13 रुपये है, तो 18 को जब आप 13 से गुणा करोगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 18 × 54 हो गया, और 18 × 1 = 18 और 5 = 23 हो गया। यानी जो शेष 2 पुस्तकें हैं उनका जो रेट है वो 46 रुपये होगा, 46 रुपये। तो 46 रुपये दोनों पुस्तकों का मूल्य होगा। अब उसमें से कहा जा रहा है कि एक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, तो अगर एक का रेट हम 100% मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे का रेट जो है वो 21.05% हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इस तरह से जैसा इन्होंने दे रखा है इसको अगर हम ले करके चलेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो इधर 2105 हो जाएगा, इधर 10,000 आ जाएगा, राइट। अगर बाय द वे हम इसको काट भी देते हैं 5 से तो इधर 2000 आ जाएगा, इधर 421 आ जाएगा। अब ये 46 रुपये है, इसे हम 2421 से डिवाइड करेंगे और आप 2000 से जब गुणा करोगे, इसको सॉल्व करके देखना, तो 38.0005 इस तरह का कोई रेट आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर नहीं है और बोर्ड ने इस आंसर को सही माना है इसको, ठीक है। लेकिन देखिए, ये कैलकुलेशन करना तकलीफ देह है, और ये कैलकुलेशन की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमने इसको ले लिया है। अब आप देखिए, मैं इसे साल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आंसर लिख दिया। अगर 38 ये है तो दूसरा 8 होगा, जाहिर सी बात है। अब आप देखिए, एग्जामिनेशन हाल में ये कतई मत करिए। आप करेंगे क्या? आप नियर अबाउट चीज़ों को लिया करिए। आप देखिए, 21 कह रहा है, इसको हम 20 ले लेंगे, और ये चीज़ हमारे माइंड में अंडरस्टूड है कि 5:1 का अनुपात हो गया दोनों के रेट में। ये पता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा कम होगा उसकी अपेक्षा। तो 46 को हम जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 6×7=42 है ना, और 5 से गुणा कर देंगे तो 6×7=42 हो गया, और यहाँ पे 4 बचेगा, 6×6=36। यानी हम इसको मान लेते हैं कि आपका ये हो गया, आगे जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है। 7×5=35 रुपये ये हो गया, और 5×6=30 रुपये ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 38 रुपये हो गया। अब क्या यहाँ छूटा जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, क्लियर हो गए होंगे। तो आप आंसर इस तरह से दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इनका 21.05 लेकर समस्या बना लें। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के चलिए, क्योंकि उद्देश्य है आंसर देना, वहाँ पे उद्देश्य योग्यता दिखाना कतई नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा,
इसमें एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेटर है, जो सवाल बनाता है, पूरा पढ़ करके आपको पता चलेगा जब आप एनालिसिस करोगे पेपरों का। और यहाँ तो 27 पेपर मिल रहे हैं आपको विश्लेषण करने के लिए, तो कोई बहुत ज़्यादा रूलिंग नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन देंगे, इस टाइप के देंगे, इस इन पे ये ट्रिक्स लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मनमाने ढंग से बनाया जाता है। कठिन बन गया तो कठिन उठा कर दे दिया, सरल बन गया तो सरल उठा के, सामने कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेट करके जैसा पाया वैसा ऑप्शन रख दिया। यानी कोई विशेष नियम यहाँ नहीं है। कर कौन पाएगा? जो औसत को जानता है। औसत के सवाल नहीं लगाया है, औसत के फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन रिलेशन को जानता है वो। आप कितना भी डाइवर्जन करो, कितना भी खराब सवाल बना दो, कितना भी अच्छा बना दो, वो सब कर लेगा जिसने औसत को डिटेल में पढ़ा है और उसका कंसेप्ट समझता है। जिसने ट्रिक के सहारे से पढ़ा है कोई सवाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आज कह रहा हूँ ट्रिक से पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ट्रिकी सवाल फेल होते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। आप देखिए कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है और कक्षा बी के द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। ए में 38 विद्यार्थी हैं और बी में 42 है। टोटल सभी 80 छात्रों के औसत अंक क्या हैं? तो कक्षा ए के छात्रों के जो कुल अंक होंगे वो आपका 79 × 38 हो जाएगा। और जब इसे गुणा करेंगे तो 3002 आ जाएगा। आप इसे गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि कक्षा बी के जो बच्चे हैं इनको 89 मार्क्स मिले हैं और यहाँ पे 42 बच्चे हैं। तो जब इसे आप गुणा करेंगे तो ये 37 38 आ जाएगा। 37 38। अच्छा, टोटल जब इन अंकों को आप जोड़ेंगे, कुल कक्षा ए और कक्षा बी के अंक जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6740 अंक आ जाएगा। विद्यार्थी कितने हो गए? 42 और 38 80 हो गए। तो 6740 को जब 80 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, 8 28 64 हो गया, और 8 बार चला गया, यहाँ पे 3 बच रहा है, और फिर 8 × 32 हो गया, 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, 84.25 आ रहा है। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। 25 नंबर सवाल है और आज का 7वां सवाल है। रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की दूरी तय करता है। हालांकि वह बी से ए जब वापस लौटता है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल आता है। बताना है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो हमने आपको औसत चाल का बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, और इसके लिए कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला आपका एक स्टेप पर जाकर के फेल हो जाता है। आप एक काम करिएगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइएगा, जो औसत दिए हैं उनको देखिएगा, उसमें औसत चाल के 2 वीडियो हैं, पहला और दूसरा। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी औसत का सवाल गलत नहीं होगा, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाए। इसे आप देखिए, ए से बी प्लेस है ये, ठीक है, तो दूरी बराबर है बी से ए, ए से बी। ये जाता तो है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बट लौटता है 7 की चाल से। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि औसत चाल तो दूरी बटे समय होता है। यहाँ न दूरी दिख रही है न समय दिख रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये दोनों कोप्राइम संख्याएं हैं, तो एलसीएम इनका गुणनफल हो जाएगा 154। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ए से बी के बीच की दूरी 154 किलोमीटर, और एलसीएम क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अगर ए से बी की दूरी 154 है तो आना जाना मिला करके आपका 308 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब 22 की स्पीड से 154 जाओगे तो 7 घंटे लगेंगे, और 7 की स्पीड से लौटोगे तो 22 घंटे लग जाएंगे। 22 और 7 29 घंटे का आपका ये सफ़र हो गया। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटे में एवरेज स्पीड आ जाएगी, 29 से आप डिवाइड कर दो 30 और 8 को, एक बार चला जाएगा, ये 29 हो गया, यहाँ पे एक आएगा, 8 उतरेगा, 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो दशमलव लग जाएगा, और ये 6 बार चला जाएगा, 6 × 9 = 54 के 4 हो गया, 6 × 2 = 12 और 5 = 17 हो गया, ये कट जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 10.6 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपका डी आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने लिखा हुआ है, 26 नंबर सवाल, और ये आज का आखिरी सवाल है। तो इस वीडियो में भी आपको सेकंड वीडियो की तरह से 8 सवाल दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आपसे मिलेंगे। तो 17 पारियों में एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 था। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 चल रहा था। 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। शुरुआत में जब आंसर किया ही तो भर्ती बोर्ड ने इसको आंसर दे दिया था, बाद में जब आपत्ति दर्ज कराई गई तो इस आंसर को गलत बताया गया और इस क्वेश्चन को वैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था। अब कहाँ गलती थी, क्या गलती है, ये मैं आपको बताता हूँ ताकि ये चीज़ें भी समझ में आए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कोई सवाल हमें आता होता है और वो वास्तव में गलत प्रिंट होके आ गया होता है तो उसकी वजह से टाइम ख़राब होता है। तो अच्छे जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्हें ये निर्णय लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि साहब ये सवाल गलत है, इसे छोड़कर आगे बढ़िए, इसके मार्क्स समान रूप से सबको दिए जाएंगे या फिर इसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, 17, पहले मैं बता देता हूँ सवाल की आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा और सरल तरीके से कैसे करेंगे, डिटेल में कैसे करेंगे। आप देखिए 17 पारियां टोटल थी और उसका औसत 34 था, इसका मतलब जो कुल रन आपके थे वो 578 थे, गुणा कर लेना आप, 578 रन थे। उसके बाद वो कह रहा है 5 से मुझे औसत बढ़ाना है, अगली पारी में कितना रन बनाऊं, तो अगली पारी का मतलब पारियों की संख्या 18वीं हो जाएगी और 5 से बढ़ाना है इसको, तो ये 39 हो जाएगा, इस पे 5 जोड़ दीजिए। अब इसे आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 702 रन आ जाएगा। अच्छा, 702 से अगर 578 आप माइनस कर दोगे तो 124 रन उसे अगली पारी में बनाना चाहिए ताकि वो जो है 5 रनों से औसत बढ़ा सके। 124 ऑप्शन में कहीं नहीं था। अच्छा, अब है क्या, इसी को अगर इजी वे में हमें करना हो तो कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, पहले मेरा 34 तो औसत चल ही रहा था, राइट, 34 तो औसत चल ही रहा था, 34 रन तो हमें बनाने ही बनाने हैं। अच्छा, 5 रन से औसत बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है, 18 पारियों का, क्योंकि औसत का प्रभाव वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों पे पड़ता है, प्रेक्षण से तात्पर्य पारियों से है, तो 18 पारियों के एवरेज को इंक्रीज करना है 5-5, कितना रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा औसत से, 18 × 5 = 90 रन आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, यानी 124 रन अगली पारी में बनाना पड़ता। आपको सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ पर देखिए ना गुणा करना पड़ा और ना इस तरह से घटाना पड़ा। आप फिर से देखिए कि 34 तो आपको बनाने ही बनाने थे ताकि एवरेज पे ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब आप कह रहे हो मुझे एवरेज 5 बढ़ाना है, मैंने कहा किसका बढ़ाना है, 18 लोगों का, 18 पारियों का, अरे तो फिर 18 × 5 = 90 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो 34 और 90 = 124 हो गया। अच्छा, अब इसमें आंसर क्या था, एक्चुअली ये गलत टाइप मेरे ख्याल से हो गया है, ये दो था कि 2 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए उसे अपनी अगली पारी में कितना रन बनाना होगा। तो होता क्या कि 17 पारी के हिसाब से उसको 34 तो बनाना ही बनाना था, प्लस 18 पारी में 2 रन और बढ़ाने थे, तो 18 × 2 = 36, अगर 36 रन वो और बना लेता तो 70 रन होता और 2 से औसत बढ़ जाता, फिर ए आंसर आपका सही हो जाता। हालांकि जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये 5 ही समझ करके इसको पढ़िए तो इसका सही आंसर 124 आ जाएगा। और तरीका आप ये अप्लाई करिए, इस तरीके से क्या होता है, एक तो गलती होने के चांस यहाँ पे रहते हैं और दूसरा टाइम भी बर्बाद होता है। तो अगर आप अच्छे से एवरेज को पढ़ लेंगे, अगर पर्सनली मैं बताऊं, अगर मुझे जवाब देना होता है तो मैं एवरेज के क्वेश्चन में जल्दी पेन नहीं चलाता हूं। आपको ध्यान से आप देखिएगा जो वो वीडियो मैंने पिछले बनाए हैं औसत में, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो शायद आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, 8 सवाल इसमें थे, ध्यान से देखिएगा, इसी के 4th पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद।